सुमन इंदौरी में एक बार फिर से होने वाला है बड़ा तूफान मचने वाला है। बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है तीर्थ सुमन की ज़िंदगी में। जी हां, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। टीवी सीरियल सुमन इंदौरी में बहुत जल्द आपको दिवाली का सेलिब्रेशन देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर सर तरफ होगी दिवाली की धूम, तो डेकोरेशन से लेकर घर में माहौल भी आपको काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा देखने के लिए मिलने वाला है। एक तरफ तो सुमन है जो बार बार अपने ससुर जी की नजरों में एक ऐसा काम कर जाती है जिसके चलते देविका से उसके नंबर पड़ जाते हैं, तो अब देविका भी सुमन की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी। शो में दिखाया जाएगा कि सुमन, जैसे कि हम सबको पता है, चाट वाली है, इसीलिए सुमन सराफे में लगाने वाली है चाट की अपनी काउंटर, और ये देख करके भड़काने वाली है देविका अपने ससुर चंद्रकांत को। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे दिवाली पूजन के बाद चंद्रकांत के साथ देविका जाने वाली है इधर उधर शहर घूमने के लिए। जैसे ही उसकी नज़र सुमन के चाट ठेले पर पड़ेगी, वो हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और वो अपने ही ससुर के कान भरने का शुरू करेगी। वो कहती हुई नज़र आएगी कि देखिए, आखिर ये कोई भी सही, लेकिन है तो हमारे घर की बहू ही ना। अब हमारे ख़ानदान की बहू ऐसे चाट के ठेले लगाएगी तो भला क्या असर पड़ेगा। और तो और ठेले पर इसने तीर्थ भैया को भी खड़ा कर लिया है, तो आप देखिए पापा जी कितनी ज़्यादा शर्म की बात है। जैसे ही चंद्रकांत उस ठेले से गुजरता है, वो सुमन को देखते हुए जाता है लेकिन कहता कुछ नहीं। जैसे ही सुमन और तीर्थ शॉप बंद करके लेट नाइट घर लौटते हैं, वो देखता है कि पूरे घर में कोई भी जाग नहीं रहा है, एकदम शांति भरा माहौल है। तभी वो अपनी बाई से पूछता है कि घर वाले कहाँ गए, और इस बात को सुनकर के बाई कहती है कि सब लोग सो गए। तभी तीर्थ को यकीन नहीं आता कि इतनी जल्दी बाबा भी सो गए और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। वेल, अब देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग, कि सुमन के ठेले लगाने पर अब कौन सा नया बवाल चंद्रकांत मचाते हैं। वेल, फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कीजिए।